नमस्कार, मैं सरिता पटवा। आज हमारे बीच एक नई अतिथि आई हुई हैं जिनका नाम है शीतल शर्मा। आज मैं उनके बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ ताकि आप लोग को उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। नमस्कार, मैं कांता शर्मा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और कांता शर्मा और शीतल शर्मा के नाम से भी जानते हैं मुझे। और मैं एक समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर हूँ और बिजनेस भी करती हूँ। मैं मूल निवासी भिवानी से हूँ, गुड़गांव रहती हूँ और कुछ दिनों से मैं अभी दुबई में बिजनेस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ और बाहर भी। तो मैं जब घर से निकली थी, छोटी थी, तो बहुत ऑब्जेक्शन होते थे घर परिवार में। हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको कोई आज़ादी नहीं होती थी, सिर पर से चुन्नी नहीं उतारने देते थे, जींस नहीं पहनने देते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैं हर कुछ चाहती थी लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, मुझे अपने सारे शौक पूरे करने हैं, संघर्ष भरे। मेरे पापा जी बाहर काम करते थे, एक ईमानदारी की जॉब थी उनकी। उन्होंने हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत और इज्जत को ही अपना सब कुछ समझ रखा था। तो कई बार ऐसा होता कि स्कूल में भी नहीं जाने देते, कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाते। लेकिन फिर उसके बाद मेरा बचपन से ही संघर्षमय जीवन रहा। मैंने रेसलिंग भी की, पढ़ाई भी मैं नहीं कर पाई थी ढंग से, 8वीं क्लास में करी, फिर बीच में बहुत सारी प्रॉब्लमें भी आई। फिर मैंने मैट्रिक करी, प्लस टू पास करी, फिर मैंने बीए करी। सेकंड ईयर में से मैंने मेरी फिर पढ़ाई छूट गई। फिर मैंने बीए में करके अभी मैं लॉ करने की तैयारी कर रही हूँ और बिजनेस कर रही हूँ। लेकिन मेरा एक एम है, मैंने बाहर निकल के देखा कि लाइफ में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है। घर से काम करने निकलती है तो उनको लोग परेशान भी करते हैं, उस नज़र से भी देखते हैं। एक संघर्षमय जीवन रहा। मैंने घरों में झाड़ू पोछा भी लगाया घर से निकलने के बाद, मेहनत करी। उसके बाद मैंने कंपनी में जॉब भी की, साइड में अपना प्रॉपर्टी का किया, फिर मैंने अपना एनजीओ बनाया, सोशल वर्क काम भी किए, कई प्रोग्रामों में गेस्ट भी गई, महिलाओं को जागरूक किया, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया, अनाथ बच्चों के बारे में, किसी गरीब बच्चे का एडमिशन वगैरह होते। तो इस तरह से मैंने सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। तो महिलाओं को मैंने बिजनेस कराया और कई बार उनको मतलब आत्मनिर्भर बनने की उनको प्रेरणा दी कि सभी महिलाएं मिलजुल के एकजुट होके अपने सारे पैसे जिनके जितने पास है साथ ही मिल के एक काम खोल सकती हैं, उनसे सबकी इनकम हो सकती है। और आगे चल के भी मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी। और मैं एक मेरा एम है, मेरा सपना है कि मैं एक अनाथ आश्रम बनाऊँ, वृद्ध आश्रम उसी में ज्वाइंट बनाऊँ ताकि वो एक फैमिली की तरह रहे, उनको परिवार मिले, बच्चों को भी रिश्ते नातों का पता चले। जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनको रिश्ते नातों का नहीं पता होता, उनको ये होता है कि उसको माँ बाप क्या होते हैं, भाई भाभी परिवार, माँ मौसी चाची, रिश्ते नातों का कुछ नहीं, तो वो सब मिलके एक बुजुर्गों के साथ जो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे छोड़ के बाहर विदेश में चले जाते हैं, कई अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनको भी उन बच्चों के रूप में एक नया जीवन मिले, उन बच्चों को भी। फिर उनका एक स्कूल खोलना चाहती हूँ उसी में, ताकि पढ़ाई करूँ, सुबह योगा कराऊँ उनको, एक हमारे सनातन धर्म अपनी शिक्षा दीक्षा उनको बढ़ाएं, उनको ये महसूस ना हो कि फिर आगे वो ऐसे जैसा बिना हार्डवर्क के वो अपनी मेहनत से कमाना सीखें, आत्मनिर्भर बने, किसी पे निर्भर ना हो लाइफ में। और उसी में एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वहीं उनका इलाज भी होता रहे। उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ। अगर आप सबका सहयोग और प्यार रहा और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो मेरा बस ये सपना पूरा हो। मैं एक बात और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अपनी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाएं, उनको घर से खुले माहौल में जीने की वो उनको सिखाएं कि कैसे घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, तो उनके लिए उनको तैयार करें बचपन से ही, उनको एक आत्मनिर्भर, उनको बोझ ना समझें। बेटी बेटों से बढ़ के होती हैं, इतने बेटे केयर नहीं करते माँ बाप की जितनी बेटियाँ करती हैं। बेटी माँ बाप की इज्जत भी देख के चलती है, हर चीज़ समझती हैं, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर एक प्राकृतिक शक्ति होती है, माँ अम्बे की शक्ति होती है उनके अंदर, वो कहीं भी किसी से डरने वाली नहीं है। बस हमारी कमी है समाज में कि हम उनको उस तरह से बचपन से ही उनको गुड़िया खेलने के लिए देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें देते हैं कि जिनसे उनको लड़कीपने का एहसास होता है, उनको भी आत्मनिर्भर ट्रेनिंग को ही उसको कोई गलत ना बोल सके, हर तरीके से उनको संस्कार दें अच्छे। तो
लड़कियों को बोझ ना समझे, बस यही है, सभी महिलाओं से भी ये है, वो आत्मनिर्भर बने, ना किसी का अत्याचार सहन करे, ना कुछ और, अपना अच्छी अपने दम पे जीना सीखें और आगे बढ़े समाज में। हमें ऐसी महिलाओं की बहुत जरूरत है कि समाज का साथ दें, आगे आए और खुल के अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, संस्कार दें, जिसको कभी दबने की जरूरत ना पड़े किसी के सामने। रोज रोज रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो सब इसलिए हो रहे हैं कि लड़कियों को बचपन से वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती, शिक्षा नहीं दी जाती आत्मनिर्भर होने की, उनको प्यार की कमी नहीं छोड़े ताकि वो बाहर प्यार के लिए ना भटके। जो लव जिहाद जैसी चीजें फैल रही हैं समाज में, गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन सबसे बचना सिखाएं, उनको बचपन से ही सारी ट्रेनिंग दें, उनको हर कुछ सिखाएं, समाज का भला बुरा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता बचपन में। एक जैसे आप उनको ढालोगे वैसे ही ढलेंगे, तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं और समाज में उनको ये शिक्षा दें कि और भी ऐसा सभी के घरों में, कई माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, प्यार नहीं दे पाते, वो उनको वो चीज़ें नहीं हो पाती जो उनको ज़रूरत होती, इसलिए वो बाहर भटकते हैं बच्चे। तो उनको घर से ही इतना प्यार अपनापन मिले कि उनको बाहर की दुनिया की ज़रूरत ही महसूस ना हो, ताकि वो कॉन्फिडेंस से जिए, अपने परिवार का साथ सपोर्ट, कोई भी बच्चे को, कभी बच्चा किस माहौल में है, कभी बच्चा गुमसुम बैठा है, क्यों बैठा है, उसको कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि वो खुल के डिस्कस नहीं कर पाते, अपने बच्चों से एक दोस्त की तरह खुल के डिस्कस करें, बात करें, हर एक बात पे चर्चा करें, ताकि वो खुल के आपको हर बात बता सके, ताकि वो किसी का शिकार ना हो सके। और अगर मेरे विचार आ सुझाव आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे, जैसे भी लगे, प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि मुझे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या कुछ मुझे आगे और आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और सविता पटवा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आज रूबरू पहली बार लाइव आई हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ गलत बोला उनके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मुझे बस यही है कि पता नहीं मैं क्या कुछ भूल गई हूँ, कुछ और थोड़ी भावुक भी हूँ, तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो तो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।